अब अलग अलग काम के लिए अलग अलग ऐप नहीं, हर दुकानदार की बस एक ही ऐप बिग ब्लिस। बिग ब्लिस चुने, केवल 30 सेकंड में अपने स्टोर को दुनिया के सामने लाएं, अपने कारोबार को बढ़ाएं, मुनाफा कमाएं, खुशियां कमाएं। बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। के साथ अखिलेश शाटी और बाजार की चाल में चर्चा करेंगे। यहाँ पर कम्युनिटी बाजार के बारे में जानेंगे, शाम के कार्रवाई सत्र में कम्युनिटी बाजार कैसा ट्रेड करता नजर आ रहा है और इस पर हमारे एक्सपर्ट की क्या राय है। इस वक्त हमारे साथ कम्युनिटी बाजार पर चर्चा करने के लिए जुड़े हुए हैं केडिया एडवाइजरी के मैनेजिंग डायरेक्टर अजय केडिया जी। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत आपका मार्केट टाइम सीवी पर। अजय जी, सबसे पहले आपसे नॉन एग्री पर चर्चा करना चाहूंगा। हमने देखा है कि यूएस फेड ने 0.75 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी कर दी है, तो इससे आपको क्या लग रहा है, अब गोल्ड सिल्वर का जो बाजार है कैसा देखने को मिलेगा? ठीक है, जो कल का रेट हाइक था वो इतना ही एक्सपेक्टेशन था, जिसके चलते हमने देखा डिस्पाइट टू इंटरेस्ट रेट हाइक 50 की जगह 75 होने के बावजूद हमें सोने का मान आज अच्छी तरीके से दिख रही है। नॉन हाई लेवल से थोड़ी प्रॉफिटेबिलिटी भी है, जो इंटरेस्ट रेट हाइक होगा कहीं ना कहीं जो नॉन इंटरेस्ट असेट है उनमें दफा करता है। और साथ ही थैंक यू के कमेंट थे, उसमें भी क्लियर था कि जुलाई अगस्त के अंदर हम लोग इंटरेस्ट रेट कम बढ़ाएंगे, इसको वजह से मुझे लगता है हमारा दबाव है मार्केट में। लेकिन दूसरी ओर हमने इन्फ्लेशन को जो 40 साल के हाई से आते हुए देखा, ये कहीं ना कहीं प्राइजेस को सपोर्ट भी दे रहे हैं। मुझे लगता है कि सोना चांदी अभी कंसोलिडेशन में रहेगा, जो 50,000 से 51,000 के बीच में रहेगा, जी। अजय जी, आज हमने क्रूड में गिरावट बनती हुई देखी है, पीछे कुछ दिनों से देख रहे थे कि $120 के ऊपर प्राइसेस सस्टेन थे, लेकिन आज देख रहे हैं कि $120 के नीचे प्राइसेस ट्रेड कर रहे हैं, इसकी वजह क्या है? देखिए, कच्चे तेल में हमने देखा कि जिस दिन से चाइना में फिर से नया लॉकडाउन रेस्ट्रिक्शन की बात हुई तो वो डिमांड कम था, आईईए का भी जो प्रोजेक्शन है उसमें भी हमने कमी आती हुई देखा, ऑयल बैंक ने भी जो प्रोजेक्शन डाला है। ऊपर से हमने देखा यूएस ने 2 दिन पहले सरटैक्स लगाया है ऑयल एंड गैस कंपनी पे, जिसका मतलब है जो अब जो टॉपिक है वो अब निकाल नहीं पाएंगे और वो कहीं ना कहीं ये प्रॉफिट वापस प्रोडक्शन बढ़ाने के अंदर डिप्लॉय करेंगे, जिसके चलते हमें लगता है यूएस से जो प्रोडक्शन है वो कंटिन्यू बढ़ता हुआ दिखेगा। एंड उसी का रिजल्ट सोने और कच्चे तेल में हम गिरावट देख रहे हैं। ठीक है, तो हमें ओपन पावर के नंबर के जो प्रोडक्शन है वो कहीं ना कहीं नहीं, मुझे लगता है कि प्राइजेस के अंदर गिरावट होती हुई रह रही है। जी अजय जी, यहीं से बात करें अगर एग्री कम्युनिटीज की, तो एग्री कम्युनिटीज में हमने देखा है कि ये जो सोयाबीन है, सोया तिलन हो गया, तेल हो गया और खल हो गया, सीबोर्ड पर इनमें लगातार अभी हमने गिरावट बनती हुई देखी है, तो आपको क्या लग रहा है ये जो विदेशों में सोयाबीन में गिरावट आ रही है ये क्यों आ रही है और इसका असर भारतीय सोयाबीन की प्राइसेस पर कैसा रहेगा? देखिए, अभी सोयाबीन की अगर हम बात करें या पूरे एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स की बात करें, तो जैसे मैंने पिछली बार भी कहा कि जून में 15 तारीख तक जो तेजी मंगी है वो मिल जाएगी, उसके बाद मार्केट में गिरावट आएगी, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में भी कहीं ना कहीं स्विंग बढ़ती हुई दिखाई देगी, डोमेस्टिक मार्केट पे भी मानसून थोड़ा डिले जरूर हुआ है बट कहीं ना कहीं आगे जाकर स्विंग इंप्रूवमेंट ही आएगी, जिसके चलते इंटरनेशनल मार्केट में भी हमने मल्टीपल ऑफ टाइम देखा प्राइस 1740-50 तक जाता है बट वो सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो इन मुझे लगता है कि जब तक प्राइजेस 1770 के ऊपर वीकली क्लोज नहीं गए इंटरनेशनल में, हाई पॉसिबिलिटी है कि हम 1530-40 का जो मल्टीपल बॉटम है यहाँ तक बनते हुए देखें। डोमेस्टिक मार्केट पे भी उम्मीद है अच्छे भाव के चलते इस बार स्विंग का एरिया जो है वो बढ़ता हुआ ही दिखाई देगा, जिसके चलते हम लगता है पूरा एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स में दबाव बना हुआ रहे। जी अजय जी, हमने एडिबल ऑयल्स के साथ साथ यहाँ पे ग्वार कॉम्प्लेक्स पर भी दबाव बनता हुआ देखा है, ये जो ग्वार में गिरावट आई है इसके रीजंस क्या है? देखिए, फ्रेंकली सबसे पहले तो एग्री कमोडिटी के अंदर वॉल्यूम काफी ज्यादा हाई हो चुके हैं, जिसके चलते कोई भी एनालाइज करना कोई भी सिचुएशन को थोड़ा सा ट्रिकी बन जाता है। आज गवार में भी हमने देखा दिन में मार्केट 57 का लेवल खुला,
फिर मार्केट स्टेबल था, फिर एक गिरावट आई, फिर रिकवरी हुई। तो ये जो वॉल्यूम कम होने की वजह से मार्केट में एक थोड़ा सा अनसर्टेनिटी बनी हुई है। वरना मतलब पहले अगर हम बात करें तो जिस दिन से कच्चे तेल का प्रोडक्शन यूएस में बढ़ रहा है वो इम्पैक्ट प्राइजेस के लिए सपोर्टिव रहेगा। नो डाउट मानसून में कमी जो बताई जा रही है उसका एक इम्पैक्ट पड़ सकता है, बिकॉज जनरली हम देखते हैं कि जब मानसून कमजोर होता है तो कहीं ना कहीं फार्मर्स लेट स्विंग में जब जाते हैं तो गवार की स्विंग बढ़ जाती है। बट एज ऑफ नाउ जिस दिन से प्राइजिंग अगर कपास की, सोया की या मूंग मोट की बात करें तो वहां पे प्राइजिंग भी अच्छी है, तो ऐसा लग नहीं रहा है कि गवार की स्विंग में कोई बड़ा बढ़ोतरी हो। रुपए की गिरावट है, इनफैक्ट एक्सपोर्ट को सपोर्ट ही करेगा। तो आई थिंक के मार्केट में वॉल्यूम पार्टिसिपेट नहीं होने की वजह से कोई क्लियर ट्रेंड नहीं है, उसके लिए ट्रेडर्स आर अवॉइडिंग लॉन्ग पोजिशन। बट टाइमिंग मुझे लगता है कि जब तक वॉल्यूम पार्टिसिपेट नहीं आएगा प्राइजेस में इतना बड़ा कोई ट्रेड क्लियरिटी नहीं दे पाए। टेक्निकल लेवल्स की बात करें तो मुझे लगता है अभी जो दायरा है वो हमने 200 का लेवल भी बीच नहीं करना चाहिए था। बट जिस तरह से वॉल्यूम ड्राइव हो गए हैं तो एज ऑफ नाउ बोलना थोड़ा मुश्किल है। तो मुझे लगता है कि प्राइजेस अगर 5700 के ऊपर जाता है दूसरी बेस पे तो कहीं ना कहीं प्राइजेस वापस आएगा, प्लस दिखा देगा। क्योंकि अदर फैक्टर चाहे एक्सपोर्ट को लेकर, कंजम्पशन को लेकर, कच्चे तेल को लेकर जो बने हुए हैं वो गवार के लिए अच्छे हैं। और टाइमिंग वॉल्यूम के अभाव में कोई भी पोजिशन बनाना थोड़ा सा रिस्की रहेगा। जी अजय जी, बात करें अगर MCX कॉटन की तो MCX कॉटन को हम देख रहे हैं कि 47,000 के ऊपर अब धीरे धीरे जाने की कोशिश कर रही है, तो क्या लगता है क्या कॉटन में यहाँ से एक बार फिर से उछाल देखा जा सकता है? बिल्कुल, कच्चे तेल की गिरावट की वजह से मैनमेड फाइबर में कमी नहीं है, वो प्राइस को थोड़ा डाउन साइड भी दिखा रहा था। तो कहना भी स्विंग की अगर बात करें तो यूएस में स्विंग प्रोग्रेस अच्छी चल रही है, डोमेस्टिक मार्केट पे हमने देखा है अचानक से जो मौसम में बदलाव आया है या डिले हुआ है इसकी वजह से उम्मीद लगाई जा रही है कि ईल्ड में एक बार ड्रॉप रहेगा। एरिया में जो पहले हम देख रहे थे 18-20% की तेजी बढ़ने की उम्मीद थी वो अब काफी कम हो चुकी है, जिसके चलते प्राइजेस को सपोर्ट है। टेक्निकली हमें लगता है 47,200-250 तक का इमीडिएट लेवल रहेगा। अगले 10-12 दिन में मानसून का प्रोग्रेस काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। बट टाइमिंग मुझे लगता है कि प्राइजेस 44-44 के नीचे नहीं जाएगा, 48-48 के ऊपर जाएगा नहीं, मार्केट ही बाहर। तो ये था एक छोटा सा कमोडिटी बाजार का अपडेट कि शाम के कारोबारी सत्र में कमोडिटी बाजार कैसे ट्रेड करता नजर आ रहा है, और आज के कमोडिटी बाजार की चाल को देखते हुए आने वाले कारोबारी सप्ताहों की जो बाजार की जो चाल है कमोडिटी बाजार में वो कैसी रह सकती है। फिलहाल बाजार की चाल में अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।